साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश किसने तोड़ा जंगल का कानून, जिसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हो रहे जंगली जानवरों के आतंक की। कहीं भेड़िए तो कहीं सियार तो कहीं बाघ का आतंक जारी है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, लोग खौफ में रहने को मजबूर है। तो देखिए कहीं सियार तो कहीं बाघ का आतंक जारी है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में आदमखोर की आफत ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। इनके आतंक से वन विभाग की पेशानी पर बल आ गया है। बहराइच में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से जब भेड़िए जाल में कैद हो जाते हैं तो लोगों ने राहत की सांस ली। भेड़िए अब तक 1 महिला और 8 बच्चों को मौत की नींद सुला चुके हैं। तो उधर लखीमपुर खीरी में बाघ का खौफ देखा जा रहा है। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे और तस्वीरों के जरिए आपको समझाएंगे कि किस तरह से जंगली जानवरों का आतंक है और लोग डर में हैं। ये बाराबंकी की तस्वीर है, जहां खेत में बाघ चहलकदमी करते हुए नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लोग खौफ में जीने को मजबूर है, क्योंकि लगातार इन जंगली जानवरों के आतंक से लोगों की जान मुश्किल में फंस रही है। 3 तस्वीरों के जरिए अब आपको दिखाएंगे कि आदमखोर का आतंक किस तरह से है। इन तस्वीरों के जरिए समझिए। पहली तस्वीर यूपी की बहराइच की है, जहां पिछले 1 हफ्ते से भेड़ियों के झुंड ने आतंक मचा रखा है। 9 लोगों की जान जा चुकी है। वन विभाग ड्रोन के जरिए भेड़ियों के पीछे पड़ा है, लगातार ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तस्वीर लखीमपुर खीरी की है, यहाँ बाघ का आतंक है। वन विभाग पिंजरे लगाकर बाघ को चकमा देने की कोशिश में जुटा है। बाघ के हमले में एक शख्स की जान जा चुकी है। तो तीसरी तस्वीर यूपी के सीतापुर की है, यहां सियार ने हमला कर 80 साल की एक महिला की जान ले ली है। तो देखिए कहीं भेड़िया तो कहीं बाघ और कहीं सियार का खौफ है और लोगों की मुश्किलें किस तरह से बढ़ रही है, लोग खौफ में जीने को मजबूर है। तो शहर शहर आदमखोर जंगली जानवरों का देखिए खौफ है। भेड़िए गए नहीं कि बाघ आ गया। बहराइच के लोग भेड़ियों के आतंक से परेशान ही थे कि लखीमपुर खीरी से डराने वाली खबर सामने आई। वन विभाग को खबर मिली कि बाघ के हमले में एक शख्स की जान चली गई। और देखिए लखीमपुर खीरी की तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जहां टीम मौजूद नजर आ रही है। लगातार कोशिश की जा रही कि जो आदमखोर जानवर की चहलकदमी कैमरे में कैद हुई है उसे पकड़ा जा सके और लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि देखिए भेड़िए गए नहीं कि बाघ का आतंक है। अब बहराइच में लोग भेड़ियों के आतंक से परेशान थे कि लखीमपुर खीरी से डराने वाली तस्वीर आती है, खबर आती है और देखिए यहां पर बाघ का आतंक, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। खेत में बाघ चहलकदमी करता हुआ नजर आया, जिसके बाद लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। लगातार वन विभाग की टीम जाल लगाकर पिंजरे लगाकर जंगली जानवरों को कैद करने की कोशिश में जुटा हुआ है। वन विभाग की टीम को खबर मिली, उसके बाद से देखिए किस तरह से यहां पर वन विभाग की टीम नजर आए और अधिकारी नजर आए और लगातार ड्रोन के जरिए भी कोशिश की जा रही है कि जंगली जानवरों को पहचान किया जा सके। देखिए वन विभाग को खबर मिली कि बाघ के हमले में एक शख्स की जान चली गई और बाघ की लोकेशन जो है वो इमलिया गांव में बताई गई। फॉरेन टीम को वहां पर रवाना किया गया, जो पिंजरे के साथ पहुंची और टाइगर को ट्रैप करने की जुगत में लगी रही, लेकिन फिलहाल वो पकड़ से बाहर है। लोकेशन का पता लगाया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि उसे जाल में फंसाया जा सके। यहाँ पे जो 2 दिन पहले जो घटना हुई थी, उसमें इसी गांव के क्षेत्र में एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई थी। उसके क्रम में यहाँ पे अभी हमने सर के निर्देशन में, डीएफओ सर के निर्देशन में, यहाँ पे हमने 4 पिंजरों की व्यवस्था कर दी है और उसके साथ साथ यहाँ पे 24 घंटे हमारे जो वन कर्मी हैं वो तैनात रहते हैं और ये ड्यूटी अपनी 12-12 घंटे में चेंज करते रहते हैं और यहाँ पे पेट्रोलिंग होती रहती है तथा ड्रोन की हम सहयोग ले रहे हैं ड्रोन से, ताकि हम यहाँ का ब्यौरा पूरा ले सकें कि आसपास कोई मूवमेंट रहे ना, और लोगों को भी यहाँ पे जागरूक किया जा रहा है कि वो यहाँ पे रात को अकेले ना घूमें, ना सुबह अर्ली मॉर्निंग में और शाम को यहाँ पे ना घूमें अकेले।
तो देखिए किस तरह से लगातार वन विभाग की टीम अलग अलग जगहों पर मौजूद है। फिलहाल वो लगातार कोशिश कर रही है कि लोकेशन ट्रैक किया जा सके, लोकेशन का पता जो है वो लगातार कोशिश की जा रही है कि वो पता चल सके। चलिए अब आपको बताते हैं कि लखीमपुर खीरी में बाघ ने कैसे लोगों को दहशत में डाल दिया है और इसे पकड़ने के लिए वन विभाग क्या उपाय कर रहा है। लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जो बाघ इस वक्त तस्वीरों में कैद हुआ है उसे पकड़ा जा सके, क्योंकि लोगों में डर का माहौल है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इस वक्त दहशत का माहौल है। बाकीगंज, ममरी और खंबार खेड़ा में खौफ का माहौल, ये तमाम वो इलाके हैं जहां इस वक्त लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। बाघ के हमले में किसान की मौत की खबर सामने आई और जैसे लोगों को ये बात पता चलती है लोगों में डर का माहौल है, खौफ में है। इस वक्त 30 दिन में 4 लोगों की जान जा चुकी है और वन विभाग ने लगातार, देखिए उनकी टीम तैनात है, 44 कैमरे लगाए गए हैं, 7 पिंजरे लगाए गए हैं, बकरियां भी बांधी गई है ताकि जो जंगली जानवर की चहलकदमी कैमरे में कैद हुई है उन्हें पकड़ा जा सके। वन विभाग की पकड़ से फिलहाल जो बाघ वो बाहर है, लेकिन कोशिश यही की जा रही कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, क्योंकि लोगों में डर का माहौल है और जाने जा रही है। एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी आ गई। दरअसल पिछले एक हफ्ते से बहराइच में वन विभाग ऑपरेशन भेड़िया चला रहा है। कैमरों और ड्रोन की मदद से भेड़ियों के झुंड को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। सरकार से लेकर प्रशासन तक परेशान है क्योंकि लगातार लोगों में खौफ का माहौल है, लेकिन भेड़िया लोकेशन बदल बदल कर हमले कर रहा है। गांव वालों का दावा है कि भेड़िया अब तक 1 महिला और 8 बच्चों की जान ले चुके हैं। इसी के कुछ इलाके में खड़े हुए हैं जहां पे 2 भेड़िये टेस्ट किए गए हैं, इन इलाकों में 2 भेड़िये अभी बचे हैं। तो ये आज गोरखपुर से गाड़ी मंगाई गई है, ये गाड़ी उन इलाकों में जाएगी जहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल है। इसी गाड़ी पे बैठ कर लोग, फॉरेस्ट टीम और उनके जो अधिकारी हैं, इसी गाड़ी पे बैठ कर वहाँ उस इलाके में पहुँचेंगे जहाँ पे भेड़िया की लोकेशन मिल सके और इस गाड़ी से टेक्नोलाइज मशीन से उनको शूट किया जा सके। तो देखिए हमारे संवाददाता पहुंचे जहां पर टीम ये पूरी कार्रवाई कर रही है, जंगली जानवरों को ट्रैक करने की कोशिश की कर रही है और किस तरह से काम किया जा रहा है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बहराइच में भेड़िये वन विभाग को चकमा दे रहे हैं, उन्हें दबोचने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन भेड़ियों का झुंड लगातार लोकेशन बदल रहा है। हालांकि 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन कई अब भी खुले घूम रहे हैं जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। भारत 24 की टीम विभाग के साथ भेड़ियों की तलाश में जुटी। बताया जा रहा है कि भेड़िये गन्ने के खेतों से आते हैं और हमला कर देते हैं। देखिए गन्ने के खेतों से निकलते हैं भेड़िये और इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। करीनी इलाकों में वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करके एक आदमखोर भेड़िये को पकड़ा था और उनका कहना है कि जिस तरह उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, ड्रोन कैमरे में नजर आया था कि इन्हीं इलाकों में 2 भेड़िये जो बचे हैं इन्हीं गन्ने के खेतों में छुपे हुए हैं। फॉरेस्ट विभाग की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। इन गन्ने के खेत के अगल बगल के 3-4 किलोमीटर का एरिया है, इन्हीं इलाकों में जाल लगाए हुए हैं, पिंजरा लगाए हुए हैं ताकि वो जो आदमखोर भेड़िये बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इस इलाके के लोग राहत की सांस ले चुके हैं। हालांकि वन विभाग की टीम कह रही है कि ये इसी तरह की गन्ने के खेतों में वो घुस जाते हैं, उनको पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं कैमरे में किस तरह गन्ने के बड़े बड़े गन्ने के खेत लगे हुए हैं यहाँ पे और उनको पकड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यही मैसी इलाका है जहाँ पे 30 से 35 दिनों से लगातार भेड़िये आदमखोर हो चुके हैं और इंसानों के बच्चों पे हमला कर रहे हैं। 8 बच्चों की मौत हो चुकी है, 1 बुजुर्ग महिला की भी मौत हो चुकी है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल है। देखिए बहराइच की महसी तहसील में फैली भेड़ियों के दहशत लखनऊ भी पहुंची है, जिसके बाद मंत्रियों के दौरे भी शुरू हो गए हैं और शुक्रवार को यूपी के मंत्री संजय निषाद ने महसी तहसील का दौरा किया। उन्होंने गांव वालों से मुलाकात की और भेड़ियों का आतंक खत्म करने का आश्वासन भी दिया। तो गुरुवार को यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना भी ग्रामीणों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। सुनिए 2004 और में तो इन्हीं लोगों की सरकार रही है और उस समय तो 34 लोगों के साथ हुआ था। तब क्या था, हमारे यहाँ तो कम से कम विधायक जी, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के साथ नहीं रहेगा तो किसके साथ खड़ा रहेगा।
हम लोग कोरोना में भी खड़े रहे और इस समय है और हमेशा जब भी घटनाएं होंगी जनप्रतिनिधि भी खड़े रहेंगे और जनता भी रहेगी और शासन प्रशासन सब। भेड़ियों ने वहाँ पे काफ़ी दिक्कत पहुँचाई लोगों को, ख़ास तौर से जो लोग खुले में सोते थे और बच्चे साथ में होते थे या एक एक पलंग पे दो दो तीन तीन बच्चे एक साथ सो रहे हैं और वहाँ पे अगर दरवाज़ा किसी वजह से खुला भेड़िया घुस गया तो एक आध बच्चे को ले गया, इस तरह से जो इंसिडेंट थे वो हमारे लिए बहुत ही दुखदायी थे। ये चौथा जो भेड़िया है ये काफ़ी बड़ा भेड़िया है और ये ज़्यादा ख़तरनाक माना जा रहा था, ये पकड़ा गया है और अभी भी दो और बाकी हैं, हम उन्हें भी जल्दी ही पकड़ेंगे। वन विभाग की टीमें बहराइच के कई इलाकों में गश्त कर रही है, दिन रात भेड़ियों को दबोचने की कोशिश की जा रही है। भारत 24 संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी फॉरेस्ट रेंजर्स के साथ मौजूद थे, देखिए कैसे वन विभाग भेड़ियों के पीछे पड़ा हुआ है। बहराइच में भेड़ियों का इस कदर आतंक है कि रातों रात लोग जगराता कर रहे हैं, तमाम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो भी कॉम्बिंग कर रहे हैं, पुलिस के अधिकारी हैं वो भी कॉम्बिंग कर रहे हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि ये देखिए फॉरेस्ट के अधिकारी यहाँ कॉम्बिंग कर रहे हैं, दूर दराज से इनकी ड्यूटी लगाई गई है और बाकायदा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये देखिए इधर इस घर की ओर जा रहे हैं, इनको अभी थोड़ी देर पहले इस इलाके में ऐसी सूचना थी कि यहाँ भेड़िया देखा गया है तो इस वजह से ये यहाँ निकले हुए हैं, जगह जगह टीम लगाई गई है। ये देखिए इनके भाई साहब के पास पहुंचे हुए हैं, देखिए ये देखिए दादा इधर भेड़िया के बारे में बता गया, आप बाहर लेटे हुए हैं। भेड़िया का प्रकोप यहाँ बराबर चल रहा है, दो चार पकड़े भी गए हैं और अभी दो चार बाकी हैं जो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो आप बाहर क्यों लेटे हुए हैं? हम अभी थोड़ी देर बाद अंदर लेट जाएंगे। अच्छा अंदर लेट जाएंगे जाके, रात में अंदर ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये डिप्टी रेंजर हैं। दुर्गेश जी ये बताइए कि आप यहाँ कॉम्बिंग करें, क्या सूचना है आपके पास इधर? अभी तो कोई ऐसी सूचना मूवमेंट मिला नहीं हुआ है और जैसे ही मूवमेंट कोई मिलता है हम अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे, सारी व्यवस्थाएं फुल प्रूफ व्यवस्थाएं हैं पकड़ने के लिए और हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप अंदर सोइए, किसी प्रकार का कोई जोखिम मत लीजिए, अगर कोई आपको सूचना मिलती है तो हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर और सब कुछ गाँव वालों को दे रहे हैं। जी अभी आपके पास क्या व्यवस्था है, अचानक से अगर झुंड आ जाता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अगर अचानक से हमारे पास कोई झुंड आ जाता है तो हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं जो तत्काल के लिए और उनको तुरंत उनको रेस्क्यू करके हम लोग पिंजरा भी हमारे पास है, यही बगल में ही लगा हुआ है। अच्छा। तुरंत उनको कैद करके हम लोग उनको अपना रेस्क्यू करेंगे। अच्छा, आप बताइए इनकी क्या खासियत होती है, कैसे एकदम से ये शिकार करते हैं भेड़िया? नहीं ये तो अभी तो कोई ऐसा नहीं हुआ है कि शिकार करते हैं, कहीं से आ गए हैं यदि ठीक है और अभी कोई अभी इनका कोई एक्चुअली में कोई मूवमेंट नहीं, जो भी मिला है पहले से है इनको बंद करके पकड़ा गया है और जो भी आगे लोकेशन मिलेगा सारी टीमें लगी हुई है, इनको ट्रेस किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिप्टी रेंजर जो इनकी अगुवाई में यहाँ फॉरेस्ट की टीम लगी हुई है। ये देखिए एक पीछे गाड़ी और आई हुई है, लगातार ट्रैक्टर के माध्यम से ई रिक्शा के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। तो वन विभाग की कई क्या तैयारियां थी वो हमने आपको दिखाई, बढ़ते आगे और बहराइच की महसी में भेड़ियों का खौफ इस कदर है कि ग्रामीण रात भर खेतों में पहरा देते हैं ताकि उनके बच्चे और परिवार वाले आराम से सो सके। 10 से 15 ग्रामीणों की टीमें बारी बारी से पहरा देते हैं। भारत 24 के कैमरे पर इन लोगों ने अपनी परेशानी को साझा की है, सुनिए। भेड़िए का आतंक है इसीलिए हम लोग डंडा लेके निकले हैं, निगरानी कर रहे हैं। अब हमको तो हो गया 20-25 दिन से ज़्यादा आतंक है। किस तरह से हमला करता है भेड़िया? भेड़िया गांव में आता है, बच्चे को उठा लेके चला जाता है, मार डालता है, खा लेता है। कितने बच्चों की मौत हो चुकी है? अभी तक 8 बच्चों की मौत हो चुकी है, एक महिला को भी उसने शिकार बनाया है, उसकी मौके पर जान। यहाँ पर भेड़िए का आतंक है इसीलिए हम लोग रात में निकलते हैं कि बच्चे की हिफाजत हो सके, बच्चों की हिफाजत हो सके। भेड़िए की खोज कर रहे हैं जंगल, ये हम सब इसके साथ खाए हुए हैं और भेड़िए की खोज कर रहे हैं जी। भेड़िया बचा रहे हैं और क्या करें सर, हमारे गांव में इतना हमला कर दिया है कि अब क्या करें, हम लोग खेत में बचा रहे हैं भेड़िए को, गांव में चला जाता है सर, उठा ले जाता है बच्चों को। भेड़िए लिए सर हम लोग दौड़ रहे हैं, बहुत परेशान है, व्याकुल है, एक महीने से प्रक्रिया लमसम चल रही है, हम लोगों को एक महीना हो गया जागता हुआ।
देखिए बहराइच ही नहीं बल्कि भेड़ियों का झुंड आसपास के जिलों का भी अब रुक कर रहा है, जिसकी वजह से वन विभाग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको बताते हैं कि ऑपरेशन भेड़िया के तहत क्या क्या इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं, वन विभाग की टीम किस तरह से ऑपरेशन भेड़िया को अंजाम दे रही है। देखिए यूपी के बहराइच में इसका खौफ है, लोग जो हैं वो बारी बारी से रात में पहरा देते हैं ताकि उनके परिवार वाले, उनके जो बच्चे हैं वो आराम से सो सकें, उन्हें किसी तरह का खौफ ना हो। महसी तहसील की अगर बात करें तो यहाँ पर दहशत का माहौल है, अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। तो आप समझिए कि किस तरह से खौफ है उन लोगों के अंदर, 8 बच्चों की जान ले चुका है ये भेड़िया, 9 से 10 की संख्या जो है वो भेड़ियों की बताई जा रही है, जिसमें से अभी तक 4 जो अभी भी है उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और देखिए कछार इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो है भेड़ियों को पकड़ा जा सके। हरिबक्सपुरवा में 4 पिंजरे लगाए गए हैं, 18 टीमें जो है वो दिन रात जो है वो गश्त कर रही है, गश्त में जुटी हुई है ताकि जल्द से जल्द जो भेड़िया इस वक्त घूम रहे हैं उसे पकड़ा जा सके। साथ ही साथ थर्मो सेंसर कैमरों की भी मदद ली जा रही है और थर्मल ड्रोन से भी निगरानी की जा रही। तो देखिए ऑपरेशन भेड़िया जो है वो इन इलाकों में चलाया जा रहा है और वहां पर इस वक्त की किस तरह की तैयारियां टीम की तरफ से की गई है वो हमने आपको बताई। कुछ ऐसे ही हाल जो है, ऐसे ही हालात जो है वो सीतापुर का भी है, जहां सियार का खौफ लोगों को डरा रहा है। सरदारपुर इलाके में 80 साल की एक महिला की जान चली गई, मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसी जंगली जानवर ने महिला को नोच खाया, उसका शव बेहद बुरी हालात में खेतों में पाया गया। गांव वाले आदमखोर को भेड़िया बता रहे हैं, जबकि वन विभाग की टीम की माने तो ये सियार हो सकता है क्योंकि जो फुट मार्क्स पाए गए हैं वो सियार के लगते हैं। शाम के टाइम जो है बच्चे अपने घर से निकल लेते, टहल लेते, उस टाइम जो है सामने नदी है, नदी के किनारे से वो आया, उन पे हमला कर दिया। लगभग कितने बच्चे घायल हैं? 4-5 लोग जो है घायल हो गए। और आसपास की कोई महिला भी सुना है कि नर्सरी के में जो है एक महिला की जो है गर्दन काट के उसकी मृत्यु हो गई। जैसा कि संज्ञान में आया वो लेडी की जो बुढ़ी अम्मा थी वो 80 साल उनकी लगभग एज थी और गांव के बाहर रहती थी, उनकी 3 दिन पहले शायद डेथ की सूचना है, सूचना जो हमें मिली है। और वो गांव के बाहर ही रहती थी, गांव वालों से भी कुछ बात हुई तो वो शायद गांव से बाहर ही रहती थी। और जो यहाँ पे पग मार्क्स और ये जो हमें पग चिन्ह मिले हैं जानवर के, जैसा कि बताया गया जानवर के थ्रू अटैक हुआ है, तो यहाँ पे पग मार्क्स का साइज है उसके जो प्रथम दृष्टिया लग रहा है वो सियार है, जो अपनी भाषा में बोलते हैं जयकाल का, तो इसमें भेड़िए की पुष्टि तो नहीं की जा सकती क्योंकि उसके साइज कंपेरेटिवली जो बड़े होते हैं उससे, उतने साइज के हमें पगमार्स यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिले हैं। बाकी एहतियात के तहत हमारी वन विभाग की टीम पूरे क्षेत्र में घूमती रहेगी, गश्त करती रहेगी, कॉम्बिंग करती रहेगी। तो उत्तर प्रदेश के 3 जिले आतंक की जद में हैं, ग्रामीण दहशत में हैं, खेतों में काम करने नहीं जा रहे हैं, तो बच्चों को भी घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। वन विभाग की टीम ऑपरेशन में जुटी हुई है, हालांकि 4 भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी तो हासिल हुई है लेकिन बाकियों की तलाश भी की जा रही है। उधर बाघ और सियार की भी तलाश की जा रही है। यूपी के बाराबंकी में तो आदमखोर की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है, खेतों में बेखौफ घूम रहे बाघ को आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जिसकी दहशत लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर रही है। रामनगर तराई क्षेत्र के पुरैना गांव में बाघ चहलकदमी करता हुआ देखा गया। अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लोगों में डर का माहौल है, जिसकी सूचना वन विभाग को भी दी गई है और कई टीमों को लगाकर बाघ की तलाश की जा रही है। जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं ताकि बाघ को जल्द से जल्द कैद किया जा सके। इसमें हम लोग जो है क्योंकि बगल में जो है आपके बहराइच जनपद है, वहाँ भेड़िए का आतंक है, ग्रामीण जो है थोड़ा असहज हैं, इसलिए हम लोग जो है सोच रहे हैं कि गांव में जो है गांव की पब्लिक को कोई जो है इस तरह के जो है वो न हो, मनोबल बना रहे, इसलिए हम लोग जो है रात में कैंपिंग करेंगे और जो है हम लोग रहेंगे रात में। जानवर सर में यहीं पे देखा चक्रोट पे। अच्छा, इसी चक्रोट पे जी। तो मतलब कैसा कैसा दिख रहा था जानवर सर? पट्टीदार दिख रहा था, धारीदार, उस पे हाँ। लिकारी बनी थी। हाँ। जी उस समय क्या कर रहे थे यहाँ पे सर? हम भैंस चराने आए थे सुबह। अच्छा जी सर, जानवरों को चराने आए थे जी।
तो उस समय उसके बाद में क्या किया आपने, कहाँ वहाँ किसको सूचना दी? सर उसके बाद हम प्रधान के लड़कों के पास फ़ोन किया, हाँ, कि ऐसी ऐसी बात है यहाँ पे, हाँ, और गांव वालों से बता दो होशियार रहें। अब सवाल उठता है कि आखिर जानवर इंसानों की बस्तियों का रुख क्यों कर रहे हैं? आखिर इंसानों ने क्या गलती कर दी जो आदमखोर जानवर रिहायशी इलाकों में आकर आतंक मचा रहे हैं? यूपी के 4 जिलों में दहशत फैली हुई है। बहराइच में भेड़िये इंसानी जान के दुश्मन बन बैठे हैं, तो बाराबंकी में बाघ खेतों में चहलकदमी कर रहा है, और इधर लखीमपुर खीरी में बाघ ने एक किसान की जान ले ली, तो उधर सीतापुर में सियार का खौफ बरकरार है। अक्सर हम ऐसी खबरें देखते हैं और सुनते रहते हैं, तो जरूरी है उन वजहों को भी जान लेना जिनके चलते जानवर इंसानों की बस्तियों में डेरा डाल देते हैं। चलिए कुछ वजहों पर डालते हैं एक नज़र और आपको बताते हैं कि आखिर अब जो जानवर हैं वो इंसानों की बस्ती में क्या कर रहे हैं। जंगलों की तेजी से कटाई हो रही है और जानवरों से उनका जो जंगल है वो छिन रहा है, और ये एक बड़ी वजह है जो जानवर हैं अब वो इंसानी बस्ती की ओर रुख कर रहे हैं। साथ ही झल्लाहट में हमला करते हैं और इंसानों को अपना निशाना बनाते हैं, और फिलहाल जो ताज़ा तरीन तस्वीरें आ रही है उसके जरिए आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि आदमखोर भेड़िए ने अब तक 9 लोगों को अपना निशाना बना लिया है। वनों में आग लगने की घटना भी लगातार बढ़ती जा रही है, वन क्षेत्रों में शहरों का फैलाव हो रहा है, ये तमाम वो वजह है जो कि जानवर अब इंसानी बस्ती का रुख कर रहे हैं। हाईवे और रोड परियोजना, जानवरों के अंगों की तस्करी, ये तमाम वो वजह है। और साथ ही साथ देखिए जंगलों में भोजन की भी किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से जो जानवर हैं वो इंसानी बस्ती की तरफ अब डेरा डालते हुए नजर आते हैं। भीषण गर्मी और पानी की भी कमी, जिसकी वजह से जानवर अब चहलकदमी करते हुए ग्रामीण बस्ती में नजर आते हैं, सड़कों पर नजर आते हैं, और लोगों के लिए एक मुश्किल ये हो जाती है। जंगलों में तेजी से बढ़ता तापमान, ये तमाम वो वजह है जिससे आप कह सकते हैं कि जो जानवर हैं वो अब इंसानी बस्ती की तरफ रुख कर रहे हैं। फिलहाल ये तीन तस्वीरें आप देखिए कि आदमखोर का आफत किस तरह से जारी है। बहराइच, यूपी, लखीमपुर खीरी और सियार का खौफ जो है वो सीतापुर में जारी है। तो देखिए ये कुछ वजह हैं जो जानवरों को इंसानी बस्तियों में आने को मजबूर करती है। हम उनके नेचुरल हैबिटेट्स को तबाह कर रहे हैं और हम इन जानवरों का घर छीन रहे हैं, तो ये भी हमारे जान के दुश्मन बन गए हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि विकास के साथ साथ प्राकृतिक संतुलन भी बना रहे, ताकि बेजुबान अपने घर में चैन से सो रहें और इंसान अपने घर में रह सके। तो देखिए लगातार ये आतंक जारी है जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही। फिलहाल उत्तर प्रदेश के 3 जिलों की तस्वीरें हमने दिखाई कि आदमखोर की चहलकदमी कैमरे में कैद हुई है। खबरों का सिलसिला जारी, नजर आते इस वक्त की हेडलाइंस पर।